हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉम एंड फैमिली में। तो आज हम आपको बेबी के लिए एप्पल प्यूरी बनाना सिखाएंगे। हम सबको पता है कि एप्पल जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत से विटामिंस, मिनरल्स और बहुत सा डाइट्री फाइबर होता है जो कि हमारे बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको जब हमारे बेबी 6 मंथ के होते हैं तो एज अ फर्स्ट फूड भी दे सकते हैं बेबीज़ को। अब हमने ये तो समझ लिया कि कितना हेल्दी है, कितना हेल्पफुल है हमारे बेबी के लिए। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। तो रेसिपी देखने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो बेबी के लिए एप्पल प्यूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक एप्पल, एक चाकू, एप्पल को काटने के लिए पीलर, इसकी स्किन हटाने के लिए। अगर आप 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए बना रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप इसकी स्किन हटा के बनाएं। बड़े बच्चों के लिए आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं। एक स्टीमर, तो ये एक बर्तन है जिसमें हम पानी डालेंगे, और ये एक कोलैंडर छन्नी जिसके ऊपर हम एप्पल को रखेंगे ताकि वो स्टीम से कुक हो सके, और ये पानी स्टीमर में डालने के लिए। तो सबसे पहले हम इस सेब को छील लेंगे पीलर की मदद से। तो अब हमने एप्पल को छील लिया है, अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। छोटा काटने का फायदा ये है कि ये जल्दी स्टीम हो जाएगा। तो जिस बर्तन में हमें स्टीम करना है वो हमने गैस पे रख लिया और हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक स्टीम करने वाली ऐसे छन्नी रखेंगे और इसके अंदर हम एप्पल्स को डाल देंगे। इसको कवर कर देंगे, गैस को ऑन कर दीजिए। तो इसको हमें तब तक स्टीम करना है जब तक कि आपका एप्पल सॉफ्ट हो जाए कि हम उसकी प्यूरी बना सकें। इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो हमारे एप्पल्स अब स्टीम हो गए हैं, तो हमें 10 मिनट्स लगे इनको स्टीम करने में। तो अब हम इनको प्यूरी कर लेंगे। तो अब हम इनको ब्लेंडर में डाल रहे हैं ताकि हम इनकी प्यूरी बना सकें। अब हमने इनको ब्लेंडर में डाल दिया है, अब हम इनको ब्लेंड करके प्यूरी बना लेंगे। मेरी बेटी के लिए ये प्यूरी ठीक है, बट अगर आपको आपका बेबी 6 मंथ्स का है तो आप ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क से इसको और पतला कर सकते हैं बच्चे को देने के लिए। मैं इसे अब बोल में निकाल रही हूँ अपने बेबी को खिलाने के लिए। तो देखा आपने कितना सिंपल था एप्पल प्यूरी बनाना और अपने बेबी को देना। इसे आप एज इट इज़ दे सकते हैं, जब आपका बेबी 6 मंथ का है तो आप इसे दे सकते हैं एज इट इज़। बाद में आप चाहें तो आप इसे बेबी के सीरियल में, अगर आप उसके लिए सूजी की खीर बना रहे हैं तो उसमें मिक्स करके भी बेबी को दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप स्टीमिंग की बजाय बॉयलिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप एप्पल्स को बहुत कम वाटर में बॉयल करके जब वो सॉफ्ट हो जाएं तो उसको प्यूरी करके भी बेबी को दे सकते हैं। बट बॉयलिंग में एप्पल्स के बहुत से न्यूट्रिएंट्स पानी में लूज हो जाते हैं, इसलिए स्टीमिंग को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम पानी में बॉयल करके और उस पानी को प्यूरी में पतला करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो पानी आप बेबी को एज अ जूस भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका बेबी 6 मंथ का है तो आप बिल्कुल पतली प्यूरी बनाइए, आप उसमें मदर्स मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड करके उसे पतला कर सकते हैं। अगर आपका बेबी 8 मंथ्स एंड अबव है तो आप थोड़ी चंकी प्यूरी भी बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मैम मॉम एंड फैमिली। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।